वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। दिल में छेद, ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ आपने किसी भी फिल्म में या फिर कहीं ना कहीं टीवी में सुनी होगी। दिल में छेद, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों को फिल्मों से ही पता चला है। फिल्मों में हमें ऐसा दिखाया जाता है किसी भी कैरेक्टर को एक बीमारी होती है और वो बीमारी होती है दिल में छेद, और उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है और अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि दिल में छेद आखिर होता क्या है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे इमेजिन करे तो वो कैसे इमेजिन करेगा, ये हार्ट है क्या, इसके बीच में छेद है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इंसान जिंदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दिल में छेद, इस चीज़ का साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है और इससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं और ये बीमारी टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली होती क्या है। तो शुरू करते हैं। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है और अगर उसको ये बीमारी होती है जिसको हम नॉर्मली आसान भाषा में दिल में छेद बोलते हैं, तो उसे हम ब्लू बेबी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी भी इंसान को दिल में छेद ये बीमारी होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तब उस इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान के हाथ, कान और शरीर के और भी हिस्से नीले पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसे ब्लू बेबी बोलते हैं जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है। तो अब हम बात करते हैं कि दिल में छेद आखिर होता क्या है। हमारी बॉडी में दो टाइप के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है। वो ब्लड हमारी बॉडी से हमारे हार्ट में जाता है जिससे वो ब्लड वहाँ से ऑक्सीजन लेके आए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो हमारे हार्ट से आता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और जिससे हम कोई भी काम करते हैं। ये सिंपल सा फंडा होता है हमारे हार्ट का, और हमारा हार्ट इन्हीं दो ब्लड को पंप करता रहता है ओवर द टाइम। तो अब होता क्या है, हमारी बॉडी में इन दोनों ब्लड को पंप करने के लिए दो अलग अलग चैम्बर्स दिए होते हैं। तो अगर हम कॉमन सेंस से बात करें, अगर हमारे हार्ट में ये चैम्बर्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी में अलग अलग फ्लो करता है वो मिक्स हो जाएगा और उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन दोनों ब्लड को सेपरेट करने के लिए हमारे हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, और वो अलग अलग चैम्बर्स इन दोनों ब्लड को अलग अलग फ्लो करते हैं। अब होता क्या है, जब ये दोनों चैम्बर्स बन रहे होते हैं एक बच्चे के अंदर, जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, तब उस टाइम पे इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक होल रह जाता है, वो होल फिल नहीं हो पाता है, और उसी होल को हम दिल में छेद बोलते हैं। दिल में छेद कुछ ऐसा नहीं होता जैसा हम इमेजिन करते हैं कि दिल के बीच में छेद हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे हार्ट में दोनों चैम्बर्स के बीच में यह जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है किसी भी बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है, उस एम्प्टी स्पेस को हम दिल में छेद बोलते हैं। हमारे हार्ट में फोरामेन ओवल, ये जो छेद रह जाता है, उसी को हम दिल में छेद बोलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।